नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप बहुत सारे प्रिंट दे चुके हैं और उसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उसे आप कैंसिल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में बताऊंगा, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं या तो फिर लाइट वगैरह बंद रहता है, उस कंडीशन में प्रिंट आउट नहीं हो पाता और गलती से हम प्रिंट के ऊपर प्रिंट करते जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब लाइन आता है और आप जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो उस कंडीशन में प्रिंट के ऊपर प्रिंट आपका चालू हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकली रूप से हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपली ये वाली प्रिंट करके देख रहा हूँ यहाँ पे। तो हम जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं, ओके करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट बंद होने की सिचुएशन में यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं निकलता। तो उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, तो हमें जाना है यहाँ कोने में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर का सिंबल दिया हुआ है जिसमें आपका जो प्रिंटिंग है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्रिंट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से आप कैंसिल इसको आसानी से कर सकते हैं। बाय द वे, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। ये एक बार हम प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रिंट हो गया, लेकिन अभी फिलहाल सोचने के लिए लाइट बंद है। तो उस कंडीशन में हम जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर में, उसके बाद ये खुलेगा। उसके बाद हमें देखना है जो जिस प्रिंटर में हमने जो कमांड दिया था प्रिंट का, उसको हमें खोजना है कौन से प्रिंटर है करके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लेजर जेट 1005 पे प्रिंट किया था, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वन डॉक्यूमेंट इन पेज। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाएगा, आप यहाँ से भी इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपका जो पेंडिंग वाली जो भी डॉक्यूमेंट है प्रिंटिंग के लिए, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस छोटे वीडियो में आपको सीखने के जरूर मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए जानकारी के साथ। जब तक विदा दीजिए, जय हिंद, जय भारत।